से हमने एक प्रोडक्ट मंगाया है, इस प्रोडक्ट के अभी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाएंगे कि इसका क्या फ़ायदा है। अगर दोस्तों आपके पास कोई भी हार्ड डिस्क है, चाहे वो कंप्यूटर के इंटरनल लगती है लैपटॉप में या कंप्यूटर में, जो लैपटॉप में हार्ड ड्राइव लगती है उसे बोलते हैं SSD 3.5 और जो लैपटॉप में लगती है वो SSD 2.5। दोनों ही हार्ड ड्राइव को हम USB में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। देखिए इसके टॉप पे लिखा हुआ है कंप्यूटर USB 3.0 SATA कन्वर्ट टू HDD टू SSD 3.0 में। जो USB होती है वो 2.0 चलती थी पहले, जिसमें ट्रांसफ़र रेट कम होता था। आजकल मार्केट में आई है 3.0, तो 3.0 USB आजकल कंप्यूटर में इनेबल है, तो उसके जरिए हम ये वो प्रोडक्ट है गाइस आपके सामने। ये आपकी हार्ड डिस्क जो इंटरनल या लैपटॉप की या डेस्कटॉप की हो उसको कन्वर्ट कर देगा USB में। तो ये वो डिवाइस है गाइस, ये आपकी USB हार्ड डिस्क बन जाएगी। देखिए आपके सामने है, ये वो पॉइंट है इसके। ये कंपनी है इसकी क्यूजेड कंपनी का प्रोडक्ट है। एक केस टाइप ही है ये, कुछ भी नहीं है, बिग साइज कुछ भी नहीं है इसमें, एक स्मॉल सा केस है गाइस। और इसमें सब्जी कीमत इस चीज़ की है जो फ्रंट पे देख रहे हो आप। एक ऑन ऑफ का बटन है, एक पावर अडॉप्टर है, करीबन 12 वोल्टेज यहाँ देख सकते हैं गाइस। कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कैमरे में आ नहीं रहा। 12 वोल्टेज का अडॉप्टर चाहिए इसको और यहाँ USB लगेगा। तो इसके साथ बॉक्स में देखते हैं और क्या मिला हमें। तो गाइस ये हमें USB मिली है जो एक तरफ से यहाँ लग जाएगी 3.0 ब्लू कलर में, और एक तरफ से आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे लग जाएगी। और इसके साथ हमें एक अडॉप्टर भी मिला है, करीबन वोल्टेज की बात करें तो 12 वोल्टेज का। इस अडॉप्टर के जरिए आपको गाइस पावर सप्लाई देनी होगी इस हार्ड ड्राइव को, जिसके जरिए पावर लेकर ये काम करेगा। तो ये अडॉप्टर लगेगा गाइस। ये 4 स्क्रू हैं आपकी, जो भी हार्ड ड्राइव होगी उसको कनेक्ट करने के लिए, 4 नहीं है तो 3, 4, 6 स्क्रू इसके साथ मिले गाइस, ये रहे। और एक छोटा सा मैनुअल भी दिया गया इसके साथ क्यूजेड कंपनी की तरफ से। तो बेहतरीन प्रोडक्ट है गाइस मेरी तरफ से अभी तक। ये सामान इसमें से निकला है अनबॉक्सिंग में, ये केस, ये इसका पावर अडॉप्टर और ये USB केबल। गाइस ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। अभी हम चलते हैं इसको आगे। तो गाइस इसमें लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है, ये हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव केस है। इसमें इसको ओपन कीजिए, ये ओपन हो गया। ये देखिए गाइस, इसमें यहाँ आपके हार्ड ड्राइव लग जाएगी SATA जो आपके पास होगी, और यहाँ कनेक्शन हो जाएंगे और ये अपना फंक्शन यानी कि काम करना शुरू कर देगी। तो इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये खाली बस SATA को USB में कन्वर्ट करती है, वो भी कितने में, 3.0 में। तो अभी हमारे पास हार्ड ड्राइव है, हम आपको लगा कर इंस्टॉल करके दिखाते हैं। तो गाइस ये हमारे पास हार्ड ड्राइव है, SATA है 4 TB की, 4 TB का। ये इसके SATA के पॉइंट होते हैं और ये पॉइंट इसमें भी लगे हुए हैं। तो हमें गाइस क्या करना है, इस हार्ड ड्राइव को इसके अंदर लगाने हैं। यहाँ पर ये 6 नट दिए गए हैं, इन नटों को टाइट जरूर करें। हार्ड ड्राइव जो होती है वो बड़ी, इसमें एक प्लेटर काम करता है जो ख़राब हो जाता है, तो ये प्लेटर ख़राब ना हो इसके लिए आप हार्ड ड्राइव के यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 या कईयों में ये 6 होते हैं। तो इन नटों को आपने टाइट कर देना है गाइस। ये नट भी है साथ में इसके दिए गए हैं, ये रहे नट। तो अभी हम इसे टाइट करते हैं गाइस और फिर आगे आपको दिखाते हैं। कुछ भी नहीं करना, इस हार्ड ड्राइव को आपको टाइट करना है। तो गाइस कुछ इस तरह से हार्ड ड्राइव इसके अंदर लग जाएगी। ये हार्ड ड्राइव लग गई है, देखिए गाइस पूरी इंस्टॉल हो गई है इसमें। और यहाँ पर बैक साइड पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे ये नट छेद आ गए हैं, जहाँ पर आप नट कसेंगे।
किसी हार्ड ड्राइव में 6 होते हैं, किसी में 4, तो इसमें 4 कसने की जगह है, तो हम यहाँ पे नट लगाएंगे गाइस और स्क्रू ड्राइवर से इसे कस देंगे। तो गाइस बहुत ही सिंपल है ये प्रोसेस। नट हमने लगाया है इसमें और अब हम इसे टाइट कर रहे हैं गाइस। नट जो है ये टाइट हो गया है। इसी तरह से हमें चारों नट टाइट कर देने गाइस, ताकि हार्ड ड्राइव हिले नहीं, क्योंकि वर्किंग के दौरान अगर हार्ड ड्राइव हिलती है तो फिर हार्ड ड्राइव ख़राब होने के चांसेस थोड़े से रहते हैं। ये नट लगाया और इसे टाइट कर देना है गाइस। जितने भी नट आपके हार्ड ड्राइव लगने की जगह हैं उतने नट आप इसमें टाइट कर दीजिए गाइस। बाद में अभी हम इसको चलाकर आपको कंप्यूटर पे भी चेक कराएंगे गाइस। ये गाइस हमारा ये इंस्ट्रूमेंट तैयार हो गया है। कंपनी है क्यूज़ेड कंप्यूटर, यूएसबी 3.1 टू साटा कन्वर्टर। तो ये गाइस वो यूनिट जिसके जरिए हम इंटरनली हार्ड ड्राइव को 2 ही मिनटों में यूएसबी में कन्वर्ट कर देंगे, वो भी 3.0 में। तो गाइस ये केस कंप्लीट हो गया है, चारों नट हमने टाइट कर दिए हैं। इस हार्ड ड्राइव में 4 की जगह थी, 2 लगने की जगह नहीं है और ये हार्ड ड्राइव कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है क्यूज़ेड, और ये हार्ड ड्राइव इसमें पूरा इंसर्ट हो गया है। अब हम इसको कवरिंग कर देंगे, इस तरह से ये कवर आके हार्ड ड्राइव पे लग जाएगा, तो आपकी हार्ड ड्राइव दिखाई नहीं देगी और इस केस के अंदर इंस्टॉल है। तो ये आपका हार्ड ड्राइव कंप्लीट है गाइस वर्किंग करने के लिए। ये इसका बैक साइड से पॉइंट है। तो गाइस अब इसमें हम पावर देंगे और इसको कंप्यूटर पे डिटेक्ट करवा के देखेंगे। तो गाइस ये डिवाइस ऑन हो गई है, हमने इसके सारे कनेक्शन कर दिए हैं। आप देख सकते हैं इसमें बेहतरीन लाइट आ रही है, एक ग्रीन कलर की जो डेटा सिंकिंग का है कि डेटा सिंक हो रहा है, और एक ब्लू कलर की। ग्रीन कलर का मतलब है ये डिवाइस ऑन है और ब्लू कलर का मतलब है डेटा को सिंक किया जा रहा है। तो गाइस ये बेहतरीन डिवाइस वर्किंग करने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं ये चल रहा है, 4 TB के हार्ड ड्राइव कंप्यूटर पर डिटेक्ट होने के लिए तैयार है गाइस। तो ये देखिए गाइस सिस्टम पर 2 हार्ड ड्राइव हमारे कंप्यूटर में थी, एक पेन ड्राइव लगी हुई है और बाकी की हार्ड ड्राइव है यहाँ डिटेक्ट हो गई है। तो सभी के पार्टीशन जो इसमें थे हमारे, वो भी हमारे यहाँ सिस्टम पर दिखाई दे रहे हैं गाइस। ये बेहतरीन प्रोडक्ट है गाइस। तो इससे आप अपनी हार्ड ड्राइव को एज ए यूएसबी बना सकते हैं, वो भी 3.0, जिससे आपको 6 Gbps की स्पीड मिलेगी। आप इस हार्ड ड्राइव को इस केस के जरिए ऐसा यूज कर पाएंगे जैसा ये इंटरनली यूज कर रही हो। ओके गाइस थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिक आईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वाली वीडियोज लाते रहें। एंड थैंक यू एंड बाय बाय।